नमस्कार, बारहमासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मेघालय, और मेघालय तक आने के लिए बारहमासा की टीम कितने किलोमीटर ड्राइव करके आई है मनवीर? हमने कल रात तक जब हम मेघालय पहुंचे तो हम चल चुके थे 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर बाय रोड बारहमासा की गाड़ी यहाँ तक पहुँची है। और कुछ ब्लॉग्स आपने अभी तक देख लिए होंगे, पार्ट वन पार्ट टू। ये अभी आपने बनारस तक देखा, बनारस से आगे दार्जिलिंग तक देखा, अब आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज को। उत्तराखंड में जब हम आपको हिमालयाज दिखाते हैं तो वो वेस्टर्न हिमालयाज हैं, पश्चिमी हिमालय। इस समय हम आपको पूर्वी हिमालय की तरफ लेके आए हैं और अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे। जैसे बारहमासा का टैगलाइन ही है नरेटिंग हिमालयाज, कोशिश करेंगे उसी को नरेट करने की। और बारहमासा की पूरी टीम अब यहाँ पहुँच चुकी है, और ये जिस जगह हम खड़े हैं ये है चेरापुंजी है ये, और हम एक केव्स में आए मन से रम। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा माफ कीजिएगा हमें अगर प्रोनंसिएशन में, उच्चारणों में, क्योंकि हमारे लिए बहुत नए हैं ये सारी जगह और इनके विशेष तौर से इनके नाम। अब जैसे इतने मुश्किल है कि चेरापुंजी को कई साल तक कुंजापुरी बोलते रहे क्योंकि हमने बचपन से कुंजापुरी देखा था, तो बचपन की किताबों में जब पढ़ते थे चेरापुंजी के बारे में कि यहाँ बहुत सबसे ज्यादा बारिश होती है। और मौसम रम हालांकि अब चेंज हो गया, तो अगर आपके पास जीके का सवाल आए कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ क्या है, तो वो मौसम रम है जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि चेरापुंजी का नाम आप सबने सुना होगा और सोहरा का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ज्यादातर लोग इस जगह को यानी चेरापुंजी को सोहरा के नाम से जानते हैं। तो आपको एक्सप्लोर करवाने की शुरुआत करते हैं पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। आगे जाएंगे हम अरुणाचल की तरफ और उम्मीद है कि वापस लौटेंगे उत्तराखंड में नेपाल होते हुए। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने जा रही है, आज चेरापुंजी एक्सप्लोर करने से शुरू करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं इन केव्स की तरफ। मौसमाई केव, इस तरह की कई सारी केव्स मेघालय में हैं। और मुझे भी पहली बार, हमें भी पहली बार पता चला कि भारत में जो सबसे लंबी, सबसे डीप, सबसे लॉन्गेस्ट केव्स हैं वो मेघालय में ही मिलती हैं। क्या नाम बताया दीदी, क्या बोलते हैं इसको? दीदी इसको क्या बोलते हैं, क्या है? शॉफी, शॉफी इसका नाम है। ये बहुत खट्टा होता है। आंवले जैसा टेस्ट है इसका। और आम जैसे नहीं, कच्चा काफल जैसा। हाँ, कच्चे काफल जैसा भी, बहुत ज्यादा खट्टा है। और देखने में ये काफल का बड़ा भाई लग रहा है, काफल का बड़ा भाई जो इमैच्योर है शरीर से। और तामुल के बारे में मैंने आपको बताया था, तामुल अभी यहाँ पे है, ये टेस्ट करने की तो हिम्मत मैंने कर ली। तामुल कौन टेस्ट करेगा? मैं। गरिमा? मनवीर? मैं। तो तामुल टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि तामुल होता क्या है। एक तामुल दीजिए। ये केवल एक पत्ता है, इसके अंदर चूना है, या आपने सुपारी रखी ऐसा दबाया, इसके दूसरे पत्ते के संग ऐसा रखा, और फिर अमिताभ बच्चन को किया याद बनारस वाले पान की तरह, और उसको आप खाना चाहेंगी? मुझे अपने बाल देखने। वीडियो रोल हो रहा है वहां से। चेरापुंजी से अभी हम यहाँ आ गए हैं, प्रगति मनमीत के चश्मे में देख के अपने बाल ठीक कर रही है।
और ये जिस गांव में हम हैं, ये गांव का नाम है कोंगथोंग। ये गांव कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से जाना जाता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, कहीं इसका नाम सिंगिंग विलेज, कहीं विस्लिंग विलेज। क्यों कहा जाता है वो डिटेल में एक्सप्लोर करवाते हैं। और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है कुछ बेहद खूबसूरत लोगों से, बाशिदा से और उनके भाई से, और वो यहाँ पे एक शॉप चलाते हैं। और आपका एक बार नाम बताइएगा। पंचाय। पंचाय। और आपका नाम है बाशिदा। तो बाशिदा और पंचाय भाई बहन हैं, ये यहाँ पे एक शॉप चलाते हैं। इनसे हमारी मुलाकात का जो पहला वाला पोर्शन है, पहले आप वो देखिए। सो माई नेम इज़ राहुल एंड यू टोल्ड मी व्हाट इज़ योर नेम। My name is Bashira Maja. My gene right away is Okay. And are you all sisters? Yeah. Real sisters? Like? Yeah. Okay. So you have three sisters. Yeah. Okay. And what's her name? The short one or the short one? Yeah. Okay. And hers? Okay. And what's the official name? Official name Bashida. And her? Mashida. Bashida? Yeah. Mashida? Yeah. Mel. And then Talinda. Okay. तो ये तीन सिस्टर्स हैं जो कि यहाँ पे इस गांव में कोमलोंग में एक बहुत अच्छी छोटी सी एक शॉप चलाती हैं। और वो उन्होंने बताया अपने जो इनके नाम हैं, एक शॉर्टर नेम है जो कि ऑफिशियली इन लोगों के, जैसे आपका इन योर आधार कार्ड और इन योर आइडेंटिटी कार्ड मशीदा इज रिटन, बाशिदा इज रिटन। ओके, तो उसमें ऑफिशियल नेम जो है वो लिखा जाता है। लेकिन हर किसी का एक सिंगिंग नेम है, और एक नहीं बल्कि दो नाम है, एक उसका शॉर्टर वर्जन है और एक उसका लॉन्गर वर्जन है। तो व्हाट्स योर लॉन्ग सिंगिंग नेम? यस, so and when you were saying that you call your long name when you are in the fields? Yeah, when we are in the village we used to call okay. To gaon mein jab ek dusre ko pukarte hain to jo chhota wala singing name hai wo gaya jata hai, aur jab bahar kheton mein hote hain, kaam kar rahe hote hain, fields pe hote hain, to wo long singing name gaya jata hai. And why do you do that, why long singing name in the field? No, because we are far from each other, that's why. So that it can reach up to. Yeah, yeah. अच्छा, तो वो ये है कि दूर दूर काम कर रहे होते हैं, बहुत दूर की पहाड़ियों पे, तो इस तरह से इसलिए लंबा जो नाम है, जो whistling है, वो लंबी जाती है ताकि वो दूर तक सुनाई जा सके। And do you also communicate in this via whistles? Whistle? Yeah. Can you talk to each other? Understand? Oh no, only the name. Yeah. अच्छा. सिर्फ नाम पुकारा जाता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई संवाद उसमें नहीं होता, सीटियों में कोई संवाद नहीं होता है। थैंक यू सो मच एंड यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। हैव वेरी ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहां पर इसकी, इस गांव की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ के गांव में जो लोग हैं उनके नाम किस तरह से लिए जाते हैं, बल्कि यहाँ नाम पुकारे नहीं जाते, यहाँ नाम गाए जाते हैं। अब हमको दोनों भाई बहन पूरा टूर करवाएंगे बारामासा की टीम को, तो आइए ले चलते हैं आपको गांव की तरफ। How many people live in this village? Around 700 plus. 700 people? Yeah, yeah. How many families? 140. 140 families? Yeah, yeah. Okay. That means we have 700 different tune. Oh, mm. That's a very interesting thing. लगभग 700 लोग यहाँ हैं, और हर किसी का, क्योंकि एक सिंगिंग नेम है, तो क्योंकि वो तो कुछ साल बाहर रह के आए हैं, शिलोंग रहते थे वो, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो उतने लोगों का नाम नहीं याद कर पाऊंगा किसी विसल को सुन के, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं गांव की, उनको लगभग पूरे 700 स्वर याद हैं कि किस स्वर में सीटी बज रही है या पुकारा जा रहा है, तो वो ये पहचान लेती हैं कि किसे पुकारा जा रहा है। मेरा सिंगिंग नाम क्या होगा? पूछो उनसे।
Bashita se puchu. Bashita. How she's will? Asking, can you name? Can you give her some singing name? First you have to. ये लोग बता रहे हैं कि अगर मुझे भी एक सिंगिंग नेम चाहिए तो उसके लिए मुझे यहीं पे जन्म लेना पड़ेगा, तभी मुझे एक सिंगिंग नेम मिल सकता है। तो यहाँ पे ये ऑल द फैमिलीज आर खासी फैमिलीज। यस दे आर खासी, बट हियर वी हैव अराउंड 70% they are indigenous Khasi. Okay. Around 30% they are Christian. Okay. तो लगभग 70 ये खासी जनजाति यहाँ पे है। खासी जो है ये ईस्ट खासी जिला है जिसमें मेघालय का एक बड़ा जिला है ईस्ट खासी। खासी यहाँ की सबसे बड़ी ट्राइब है, खास करके इस वाले क्षेत्र में, इस मेघालय के इस हिस्से में लगभग 80% जो जनजाति है वो खासी है। और पूरे अगर मेघालय की बात करें तो भी लगभग 48% के करीब खासी ट्राइब है। और वो हमको बता रहे हैं कि इस गांव में 70% इंडिजीनियस खासी हैं, मतलब जो मूल रूप से खासी थे आज भी खासी हैं, लेकिन 30% कन्वर्जन हुआ है और वो अब क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। आई वांट अ सिंगिंग नेम टू। ओके, व्हेन? 29 of this month. This month, yeah. Wait, is it some festival? Yes, festival. Which? Anuwa festival. What festival? Anuwa festival. Anuwa. Anuwa. Because we have on 28 we have puja. We have puja. Okay. Yeah. And what do you pray? Whom puja? Kiski puja karte hain aap log? We pray to God. To God. Yeah. And but what do you call your God? Isko. Do you mean something? No. Huh? God is God. God is God. Okay, we can see them. Okay. We don't have any idols at all. You don't have idols? No. Okay. मतलब मूर्ति पूजा, you have temples? No temples? No temple. Home is temple. Yeah. अच्छा। तो कोई अलग से मंदिर नहीं है? मैंने उनसे पूछा कि वो किस भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि हिंदुओं में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राइबल में देखिए बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा भगवान है। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती है, और जो जनजातियां हैं उन्होंने कहा कि घर ही हमारा मंदिर है, हम भगवान को प्रे करते हैं। Is it Thimul? What do you call this? हम वहाँ इसको खरीद के नहीं खाते, फ्री में हमको मिल गया था। काफल का बड़ा भाई टाइप का है ये। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है इस गांव की कि यहाँ पर मेटरनल सोसाइटीज़ हैं। तो जैसे जो भाई हैं वो अपने विदाई के बाद अब अपने घर से अपनी वाइफ के घर में आ चुके हैं, तो यहाँ पे विदाई के बाद लड़कियाँ लड़कों के नहीं बल्कि लड़के लड़कियों के घर जाते हैं। तो इसलिए बाशिदा के जो भाई हैं वो अब अपने ससुराल आ चुके हैं, अब हमेशा अब यही उनका घर है। इसको हम घर जवाई बोलते हैं। हाँ, बाशिदा ने ऐसा भी बताया कि डिपेंड करता है, अगर लड़की लड़के के घर जाना चाहती है तो वो भी ऐसा कहते हैं। दिस आल्सो हैपेंस समटाइम्स दैट गर्ल मूव्स टू द बॉयज हाउस। नो, नेवर। समटाइम बट ओके, सम बट ट्रेडिशनली इट इज अ मैटरनल सेटअप। अब कभी-कभी होता है वो, जैसे वी हैव टू मूव टू द लेडीज हाउस। ओके, लेडीज हाउस। वी डन get anything from the family. From you don't get anything. You also have only the ladies. You also have to pay dowry? No. No dowry. अच्छा, तो लड़कों को दहेज तो नहीं देना पड़ता, लेकिन लड़के जो है शादी के बाद लड़कियों के घर में जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जैसे उनकी 6 बहनें हैं, बाशिदा उनमें से एक हैं, तो उनकी जब शादियां होंगी तो 6 जमाई उनके घर में आएंगे और उन सब के लिए फिर अलग अलग घर जो है वो उनको बनाने होंगे, लेकिन उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है
इनकी जितनी भी पेटर्नल मैं गलत शब्द शायद अपनी उसकी कारण यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मेटर्नल प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी मेटर्नली ही सक्सीड होती है, सक्सेशन जो है, विरासत जो है वो लड़की की तरफ से चलती है। तो जैसे जो भाई हैं ये विदा होकर वापस आ गए हैं, तो इनके माता पिता की जो प्रॉपर्टी थी वो सब इनकी बहनों के पास रहेगी और उनके पति को मिलेगी। जैसे ये जब अब यहाँ आ गए हैं तो ये इनकी संपत्ति हो गई है जो कि इनकी पत्नी के तरफ से उनकी मेटरनल फैमिली को सक्सीड होते हुए नीचे आ रही है। सो नाउ दिस इज योर प्रॉपर्टी बिकॉज यू दिस इज योर वाइफ्स प्रॉपर्टी। सो इट इज आल्सो योर्स। It's not mine. It's not yours. Okay. On papers, it is your wife's property. It will always remain so. Yeah. And before your wife, it was your mother-in-law's property. After my wife, my daughter. तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर दुल्हन किसी घर जाके कहती है नहीं नहीं मेरी नहीं है, मेरे पति की प्रॉपर्टी है, उतनी ही मासूमियत से और उतनी सच्चाई से वो बता रहे हैं कि मेरा नहीं है, मेरी पत्नी के नाम है, उससे पहले मेरी सास के नाम था, आगे जाके शायद उनकी बेटी के नाम होगा। तमाम पहाड़ी सभ्यताओं की तरह यहाँ पर भी नॉनवेज का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा है, और नॉनवेज में वो बता रहे हैं कि पारंपरिक तौर से सुअर खाया जाता है, मटन यानी बकरी खाई जाती है, बीफ खाया जाता है, और पहले हिरन वगैरह भी खाए जाते थे, लेकिन अब वाइल्ड लाइफ एक्ट की वजह से और थोड़े रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसका शिकार नहीं होता है, और लगभग हर रोज़ खाया जाता है, लेकिन क्योंकि अभी जैसे वो बता रहे हैं कि पोक खरीदना पड़ता है बाज़ार से, तो वो क्षमताओं के हिसाब से कि जिसकी जितनी बाइंग कैपेसिटी है, जिसकी जितनी परचेजिंग पावर है, अगर अच्छी है तो प्रिफर किया जाता है कि लगभग रोज ही कुछ ना कुछ नॉनवेज आइटम घर पे बने। नए बच्चे से वो कह रहे हैं, मैंने जब उनसे पूछा कि ये नाम कैसे दिया जाता है, ये कौन कंपोज करता है उस विसल को या उस टोन को, तो उनका कहना है कि वो हर माँ खुद तय करती है, और वो उस प्यार के कारण होता है जो उसको अपने नए पैदा हुए बच्चे से होता है। वो भाई ने हमको बताया कि वो जो प्यार है वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता, वो दिल से एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेके रोज़ एक धुन गुनगुनाती है, और वही धुन जो है वो उसका उसको उसको उसका वो नाम हो जाता है, वो लॉन्गर फॉर्म में और शॉर्टर फॉर्म में। ये ट्रेडिशन आसपास के भी कुछ गांवों में फॉलो किया जाता है जहां पर लोगों के इस तरह के नाम हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि उन गांवों में 30-40% लोग ही इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। कोंगथोंग ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर 100% लोग इसे फॉलो करते हैं। एंड हाउ मेनी किड्स शी हैव? तो इनके 5 बच्चे हैं, तो अब हम उनसे आगे बढ़ने से पहले ये पूछेंगे कि वो 5 बच्चों के लॉन्गर नेम हमें अपनी तरह से सुनाएं। तो जस्ट आस्क हर टू नेम ऑल ऑफ द 5 किड्स बाय देयर सिंगिंग नेम्स। Okay, this is second. And the third one? That is the third one. And the fourth one? The fifth one?
प्लीज। तो ये पांच उनके बच्चों के नाम हैं जो उन पांचों उन्होंने गा के सुनाए। और कितना 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 विविधताओं भरा देश है हमारा, कितने नए ट्रेडिशंस हैं हम लोगों के लिए। मैटरनल फैमिलीज देखना ही, विटनेस करना कितना अपने आप में इंटरेस्टिंग है, कितना डिफरेंट कल्चर है। शादी का बिल्कुल कंसेप्ट ही बदल जाता है, मतलब हम सोच ही नहीं सकते जिस तरह से उत्तर भारत में और हम लोगों के तरफ शादियां होती हैं। लड़की की विदाई, उस पर कितने फोक सॉन्ग्स और कितनी हमारे यहाँ तो पहाड़ में जो खुदेड़ गीत हैं, घुघुती जो है, कितनी चीज़ें उसके इर्द गिर्द बनी हैं। यहाँ बिल्कुल वो सर के बल खड़ा हो जाता है वो परंपरा, क्योंकि यहाँ विदाई लड़के की होती है। और ये सिंगिंग वाला जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल नया है हम लोगों के लिए। और अभी आपको गांव भी एक्सप्लोर करवाते हैं। और ये तामुल जो आप देख रहे होंगे, यहाँ ज़्यादातर लोग सबके जो है दांत जो हैं वो एकदम, लिप्स जो हैं वो एकदम लाल हुए हैं, वो है दिस इज तामुल। सो व्हाट्स द स्टोरी ऑफ तामुल? यू आस्क। आज ये ओके यू आस्क। तो यहाँ पर ये बड़ी नई और इंटरेस्टिंग कहानी उन्होंने बताई कि तामुल जो सब लोग खाते हैं, जो हमने वहाँ भी ट्राई किया था केव के बाहर, पान का ही एक फॉर्मेट है जिसको हम पान बोलते हैं, सुपारी पान और हाँ वही चूना उसमें होता है, पान के पत्ते होते हैं और सुपारी होती है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। उन्होंने एक लोक कथा इसके पीछे की बताई कि कोई कभी दो दोस्त हुआ करते थे, एक उनमें अमीर था एक गरीब था। तो गरीब जब भी अमीर दोस्त के घर जाता उसकी खातिरदारी होती, उसे खूब खिलाया पिलाया जाता। लेकिन एक बार अमीर दोस्त गरीब दोस्त के घर आया और उसके पास उसे ऑफर करने, उसे खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने पड़ोसियों से भी मांगा, तब भी कुछ ऐसा नहीं मिला। तो उस शर्मिंदगी में कि मैं अपने अमीर दोस्त को कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, उसने आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद से ये परंपरा चली कि जिसके पास ऑफर करने को या मेहमानों को या घर आए मेहमान को या किसी मिलने वाले को अगर ऑफर करने को कुछ नहीं होता तो तामुल होता है। तो तामुल इसी ग्रैटिट्यूड के साथ में ऑफर किया जाता है और वो एक सिंबल ऑफ, इट इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। तो वो एक ग्रैटिट्यूड की तरह से ऑफर किया जाता है और इसीलिए वो वहाँ से, ये उसके पीछे की लोक कथा है और इसीलिए सब लोग यहाँ पर उसको खाते हैं। बाशिदा जो हैं अभी क्लास 12th में पढ़ती हैं। बाशिदा, यू हैव गिवन योर क्लास 12th एग्जाम्स, राइट? ओके। और ये शिलोंग में पढ़ती हैं, इसी गांव की मूल रूप से रहने वाली हैं। सो विच प्लेस डू यू लाइक बेटर? इट्स यू लाइक शिलोंग और यू लाइक दिस विलेज? नो, ओनली विद दिस विलेज। दिस विलेज यू लाइक मोर देन दे? एंड वेयर डू यू स्टे इन शिलोंग? उमसासन। उमसासन, ओके। देयर इज अ रेंटेड प्लेस और सम? या या, ऑन रेंट? या। ऑल योर सिस्टर्स स्टे देयर? या। एंड हाउ मच इज द रेंट ओवर देयर? 8,000 for? Yeah. 1 month. How many rooms are there? 1, 2, 3, 4. Four rooms? Yeah. Four rooms. And how many people do you stay there? Five. All five siblings? Oh, no, only four. Four siblings? Yeah. Achha. All sisters or brother also? Sister. Only sister. ओके, तो चार बहनें रहती हैं, 8,000 रुपए का कमरा है और चारों ऑल फोर आर स्टडिंग और समवन वर्किंग आल्सो? नो, समवन वर्किंग। समवन वर्किंग? या। द एल्डर वन? या, द एल्डर। एंड व्हाट इज शी डूइंग? या, शी हैज अ शॉप, सो शी शॉप? या, इन शिलोंग? या। ओके, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू कम टू योर विलेज? आई कम हियर बिकॉज आई हैव कंप्लीट, आई हैव holidays. Yeah, I got a vacation. Because I was waiting for the research class. That's why. Okay. So, छुट्टियों में यहाँ आते हैं. And what about the school? Is there a school in the village? Yeah. Up to which class? Up to class 8. Class 8. Yeah. So after class 8, you have to move to Shillong. Yeah. There is no inter-college nearby, like 11. No, no. Eh, no. Sohraram. सोहरा एंड देन सोहरा? या। ओके, सोहरा का मतलब चेरापूंजी। तो चेरापूंजी में इंटर कॉलेज है? माजिरोंग थ्रांग बट आई गो। ओके, ओके। एंड फॉर द लाइक बी फॉर ग्रेजुएशन देयर इज नो कॉलेज नियर बाय फॉर ग्रेजुएशन? इट्स इन शिलोंग ओनली? या, शिलोंग एंड देन सोहरा। ओके, तो चेरापूंजी में है या फिर वहां है? एंड इट इज हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम हियर? वे आई डोंट नो। शिलोंग? ए,
रंग एक नो कनो किलोमीटर शिलोंग अच्छा 56 किलोमीटर पे शिलोंग है चेरा पोई सोरा वो भी उतना ही है लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर शिलोंग या चेरापुंजी है और वहाँ पर कॉलेजेस हैं एंड व्हाट अबाउट द हेल्थ फैसिलिटीज आर देयर सम हॉस्पिटल्स इन द विलेज नो ओनली द सब सेंटर ओनली सब सेंटर सब सेंटर सो देयर इज सम डॉक्टर नो ओनली द नर्स आई डोंट नो ओनली द नर्स आई डोंट नो ओके एंड इफ सो वेयर इफ समबडी इज ill or somebody has to get treated so where do you go to Shillong yeah. only Krang to Krang okay yeah. and how far is that 3 kilometers so there is a hospital over there you can primary health center okay if someone is serious we have to go to Shillong okay so hospitals ki and generally otherwise How's and there are some local doctors as well, some traditional practices? Yes, in Krang. In Krang. Yes. And generally at the time of delivery when a new baby is born, so when a new baby is born in the village, so baby is born in the hospital or in the home itself? Some of them they're going to hospital, some of them they are born here in the village. In the village only. So in the village if a child is born there are some people who help yes, them? Yes, yes. What do you call them? Nopan Kha. In Khasi we call Nopan Kha Khun. Nopan Kha Khun? Yeah. Nopan Kha Khun. Okay. So jaise hamare yahan dai jo paramparik taur pe jo dai hain jo madad karti thi. Someone who helped to give deliver, birth. To give birth. Okay. What do you said? Nopan Kha Khun. Nopan. Nopan Kha Khun. नोंगपन खाखून अच्छा ये शब्द है उसके लिए जो मदद करते हैं डिलीवरी में पारंपरिक तौर से खासी भाषा में उसको ये कहा जाता है और एक और दिलचस्प चीज़ है यहाँ पे बांस है और बांस का वही फॉर्मेट जो हमें उत्तराखंड में मिलता है रिंगाल जिसको कहते हैं ये विजुअल्स में आप जो अभी देख रहे होंगे ये रिंगाल है और इसकी जिसमें इसके ऊपर कई हमारे पारंपरिक गाने भी हैं और इसका धार्मिक मान्यताओं में भी वो है जो छतोली नंदा देवी की बनती है तेरी छतोली रिंगाल की वो भी आपने गाना सुना होगा ननिगी जी ने जो गाया है नंदा देवी पे वो उसी की वैरायटी यहाँ पे भी बहुत प्रोमिनेंटली उगाई जाती है और अक्सर जो जहाँ जो खेती होती है उसमें बहुत प्रोमिनेंटली उसकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बास्केट से लेकर के बहुत चीज़ें जैसे हमारे उत्तराखंड में भी बनता है वैसे ही यहाँ पर भी है फुनसाई जी बता रहे हैं कि जब बारिश होती है खेतों में तो यहाँ जो सोरा है वहाँ पे क्योंकि बारिश पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड होती है तो खेतों में काम करते हुए इसको ऐसा पहनते हैं इसको ऐसा लगाते हैं और फिर ऐसा काम होता है इसको बांध दिया जाता है और इसको क्या कहा जाता है इसको कहते हैं व्हाट डू यू कॉल दिस कुनुप कुनुप दिस इज कुनुप एंड दैट इज त्राप दैट इज त्राप वो थोड़ा सा अलग है वो भी बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल होता है बट दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस बट दिस इज स्पेशली डिजाइन टू लाइक फॉर व्हेन यू वर्क इन फील्ड बिफोर वी यूज्ड टू कवर विद विद दैट लीफ बट नाउ वी यूज्ड टू कवर ओवर हियर नाउ दैट वी यूज विद प्लास्टिक अच्छा तो प्लास्टिक के आने से पहले वो जो पत्ते हैं चौड़े से उन पत्तों से ये बनाया जाता था अब प्लास्टिक आ चुका है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है माइक पकड़ना तो ये देखिए तामुल यहाँ पे इतना खाया जाता है कि जब दांत नहीं रह जाते तो पहले तामुल को इसमें ऐसे करके मसाला बना लिया जाता है और उसके बाद तामुल को रजनीगंधा की तरह खा लिया जाता है वाह एंड इस व्हाट डू यू कॉल दिस जिंग डुंग क्वाय और ये बांस है दिस इज दिस बैम्बू ये बांस है और इसी में ये बनाया जाता है तो जब तक दांत नहीं है लेकिन जब तक पेट में आंत है तामुल चलता रहेगा ओके क्या व्हाट ऑल आइटम्स
एवरी लगभग हर खासी महिला जो है उसके पास एक बैग है, उसकी एक अपनी गठरी है, उस गठरी में क्या क्या है ये हम उनसे देख रहे हैं। और ये हमें उनका नाम पूछिए तो उनका सेमी तो सेमी हमें दिखा रही हैं कि उनके पर्स में क्या क्या है। ये देखिए, ये एक छोटा सा शीशा है शायद, जैसे ये एक मिरर है, ये एक छोटा सा शीशा है, और ये वही तामुल को कूटने के लिए, इसका नाम क्या था, व्हाट डू यू कॉल इट, जिंगडुंग कॉय। ये तामुल के लिए है, ये तामुल है, देखिए यही वो तामुल होता है, इसमें इसमें सुपारी है, पान के पत्ते हैं और उसके अंदर चूना लगा हुआ है, वो है। और ये क्या है, व्हाट्स दिस, टोबैको। ओके, सो यू ईट इट डायरेक्टली, यू जस्ट पुट इट इन योर माउथ। ओके प्रगति, टेस्ट करना है तुम्हें? नहीं। मनमीत नो। है देख तो बहुत तीखा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा करना। नो, दिस इज टोबैको। तुझे भी करना है? रोहित को करना है, इसकी स्मेल ही। ओ, ये वही तंबाकू तो है जो तंबाकू का वो जो सिगरेट में या बीड़ी में यूज होता है, लेकिन वो इसकी इसी के पार्टिकल्स हैं जो उसमें यूज होते हैं, ये उसका पूरा पत्ता है और ये प्रॉपर तंबाकू का पत्ता है। ओके, बहुत तेज है। और ये एक पेन है और एक कंघी है। ओके, सो दिस इज ऑल और देयर इज समथिंग, बट व्हेन बिकॉज़ दे आर एट होम ना, अच्छा तो ये अभी घर ही पे हैं इसलिए ये वाला आइटम है, जब बाहर जाते हैं तो इसमें और चीजें अब भी होती हैं। और जैसे वो अभी आई हैं तो उनके पास भी एक ऐसा ही बैग है, छोटा सा बैग, उनके बैग में भी यही होगा। अच्छा, बैग तो आपके पास भी है, इतनी देर से हम साथ में घूम रहे हैं। अच्छा, तो आपके बैग में भी, आपके बैग में कुछ some documents also, charger, okay, so everybody, almost everybody carries this, yes. Charger, so many thing, documents, wallet, beedi, what is it, beedi, yeah. Okay, pen, okay, so many things, so everybody carries it, earpods, nice. This is a coffee seat? Okay. तो ये कॉफी है। तो ये था कॉन्थोंग गांव, कॉन्थोंग, राइट, कॉन्थोंग ये गांव का नाम था। आप सोच रहे होंगे कि पूरा गांव दिखा दिया और फिर भी मैं नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि ये नाम बहुत नए हैं हमारे लिए। और पुंशन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पुंशन भाई फॉर शोइंग एस द विलेज अराउंड। और पुंशन भाई यहीं गाँव के रहने वाले हैं, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, गाइड का भी काम करते हैं। तो अगर आपको कभी कॉन्गथोंग आना हो तो आप चेरापुंजी, जिसे सोहरा भी कहते हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं, वहाँ से लगभग ये 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आपको शिलोंग से आना हो तो डायरेक्टली वहाँ से भी आ सकते हैं। विस्लिंग विलेज और सिंगिंग विलेज के नाम से ये गाँव क्यों मशहूर है वो आपको ये वीडियो देख के समझ आ गया होगा। अगर आपको यहाँ स्टे करना है तो जाते जाते आपको ये भी बता दें कि इस फ्रेम में मैं जहाँ बैठा हूँ, ये मेरे पीछे ये जो एंट्रेंस है, ये यहाँ का एक हाउस स्टे है और यहाँ अंदर चार ग्राउंड बेड्स लगे हुए हैं। सेम द डाउन देयर आल्सो, दैट्स एंड ओवर। ओके, नीचे एक और इसी तरह का, बिल्कुल एक और है, मॉडर्न वन डाउन देयर। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे ही सेटअप्स और बनाए गए हैं और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांव की सोसाइटी इसको ऑपरेट करती है। बहुत रीजनेबल चार्जेस हैं, 2000 रुपए में चार लोग आराम से स्टे कर सकते हैं, चार बेड्स लगे हैं और उसके अंदर एक बहुत छोटा सा बहुत सुंदर सा फायरप्लेस के लिए भी एक अरेंजमेंट किया गया है कि आप कमरे के अंदर ही, जैसे पहाड़ की छानियों में होता है वैसा ही आप अंदर स्टे कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट की
हिमालय को एक्सप्लोर करने की, हिमालय के पहाड़ों को दिखाने की ये यात्रा अभी जारी है। यहाँ से आगे आपको ले चलेंगे मेघालय और अरुणाचल के कुछ और ट्राइबल कल्चर्स के बारे में आपको दिखाएंगे, और ये कल्चर जो हमारे लिए भी बहुत नया था, आई होप आपको भी पसंद आया हो। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके जहन में, आपके ख्याल में अगर कुछ ऐसी जगह हो जो आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमको किसी ऐसी कल्चर के बारे में, किसी फूड कल्चर के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे अपने रूट पे उसे भी फॉलो करने की। जुड़े रहें और देखते रहें बारहमासी।